ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਨ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਰਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ADC ਸੁੰਦਰ ਵਿਲੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। अपना CP सर के डायरेक्शन के मुताबिक यहाँ पे जो जलंधर के अंदर जो लिकर स्मगलिंग कुछ वो शराब बेचने वाले हैं और खास करके उन्हें हमने सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। आज यहाँ पे 3 नंबर द एरिया में टन मोहल्ला में हमने सर्च ऑपरेशन किया। हमारे साथ हम टोटल पंजाब फोर्स नाल लेडी फोर्स इंक्लूडिंग हम लेके यहाँ पे सर्च ऑपरेशन किए। यहाँ पे जो शकी हालत में जो लवारिश गड्डियाँ गड़ी है वो भी हमने चेक कर रहे हैं और यहाँ पे जो किराए पे रखे हुए हैं बंदे ने विदाउट वेरिफिकेशन को ओनर्स को हमने इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि किराएदार नु पुलिस वेरिफिकेशन जो करना ज़रूरी है कि विदाउट वेरिफिकेशन किसी को रख नहीं सकते हैं। 2-3 हाउस ओनर को हमने डायरेक्शन भी करके आए हुए हैं कि आज अपना अपना लिस्टा ले आके थाना में वेरीफाई कर लें। बाकी इस तरह का वेरिफिकेशन हम लगातार कंटिन्यूसली करते रहेंगे। कोई भी जो लिकर स्मगलिंग कहीं पे हो रही है इधर कोई इन्फॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे भी हम रेड करेंगे। मैडम कुछ मिले थो अभी बेसिकली लवारिश गड्डियाँ 3-4 है उधर हम ओनर वेरिफिकेशन कर रहे हैं और बाकी तो बाकी जो ओनर्स है उनको ये कहा हुआ कि जो अपना किराएदार है वो वेरीफाई कर रहे हैं। जलंधर तो रवि गेल दी रिपोर्ट। देख रहे हो सांझ टीवी न्यूज़ पोर्टल।